हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ माइंड। सो आज हम जा रहे हैं तारापेट, लेकिन आज के ट्रैवल में इट्स अ सोलो ट्रिप फॉर मी। ऑब्वियसली विल मिस इंदु एंड विवान, माय वाइफ एंड माय सन, जो मेरे साथ हर ट्रिप में मेरे साथ जाते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम्स के कारण प्रिपरेशन है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, फॉर दैट रीज़न तारापीठ माँ तारा बहुत दिन से बुलावा दे रहा था मुझे। सो मैं सोचा क्यों ना हम चले जाते हैं, आप सबको उनका आशीर्वाद लेके आते हैं, और इसलिए निकल पड़े। चलिए जय माता तारा, चलते तारापीठ। और ये ट्रिप के बारे में डिटेल्स भी आपको बताएंगे। तो मेरा साथ जैसे जाने वाला है मेरी बेटा। सो यस, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग। तो अभी दिखा रहा है 5 ऑलमोस्ट लाइक 8 मिनट्स का वेटिंग है, विच इज़ गुड फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे चेक इन का टाइम भी इशू है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से जाते हैं, चाप एट ऑल। तो अभी कहीं पे डांटपुरी के सामने कहीं पे रुके हुए हैं। एनी विच वेस, बने रहिए वीडियो में। वैसे तो पहले का भी वीडियो है, बट दिस इज अ सोलो ट्रिप फॉर मी। बहुत मिस करो फैमिली को, बिकॉज यू नो पीछे से आवाज़ आता था, बात भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। तो बेसिकली अभी आप लोगों से बात करके टाइम पास हो रहा है ब्लॉग करके। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और जो चैनल पे नए हैं जो सब्सक्राइब है, तब तक मैं एक गेट राइट पे लेता हूँ। तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं कहीं पे, ड्रिवन अराउंड 63 किलोमीटर्स 2 आवर्स का अभी तक हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो कहीं पे रुक के कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि वैसे भी होटल चेक इन का टाइम भी बहुत 12 बजे है, तो ऑब्वियसली चेकआउट के टाइम पे अर्ली चेक इन मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। सो अभी मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बना रहा हूँ, एंड दिस इज़ प्रिपेयरिंग द कॉफ़ी। शायद मैं घर से लेके आया था, एक सेकेंड, तो इसमें शुगर मिक्स करके मैंने कॉफ़ी लेके आया था यहाँ पे, सो एक डब्बे में, तो उसी को मैं बना के पीऊँगा अभी। और एक कप नूडल्स भी है, अगर बाय चांस भूख लग गया कहीं पे, ये भी है, और कॉफ़ी कप भी है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। और एक चीज़ बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कभी भी आप लोग अगर गाड़ी में कहीं पे पुल ओवर कर रहे हैं, मेक श्योर हाईवे से छोड़ के सर्विस लेन में आ जाइए। ये सर्विस लेन है, दिस इज़ सेफ। यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ही रेयर है, लेकिन वहाँ से आई डोंट फील वेरी कम्फर्टेबल, यू नो, पुलिंग डाउन द कार समवेयर इन द साइड एंड जस्ट हैविंग रिलैक्सिंग फॉर अ वाइल। इफ़ आई रियली हैव टू डू इट, आई विल जस्ट प्रेफर अ सर्विस लेन। इट्स सेफ, और इट्स सेफ, एक्चुअली इट्स सेफ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम जा रहे हैं तारापीठ, जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वेदर भी काफ़ी सुहाना है, बट आई एम मिसिंग माय फैमिली एज आई सेड। तो सी यू सून। तो गाइज, दिस इज़ अ न्यू लुक ऑफ दुर्गापुर एक्सप्रेस वे। आप देख सकते हो इतना सुंदर हुआ है अभी रेनोवेशन। NH-19 का अभी न्यू लुक है, अभी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जितने बार मैं जा रहा हूँ उतनी बार इम्प्रूवमेंट्स दिख रहा है। गाइज, सीन ये है कि अभी हम वहाँ से वर्धमान से हम सोचे कि यार कुछ खाना वाना मिल जाएगा, लेकिन क्या सीन है कि सब हाईवे चेंज हो गया, अभी सब सर्विस रोड हो गया, तो उसके कारण जो लैंचा शक्तिगढ़ वहाँ पे खाने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ गंदा कोई चीज़ खोल के रखा है, तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है खाने। बहुत भूख लगा है, खाने के बाद चलेंगे वापस।
सो गाइस अभी ये पराठा ऑर्डर किया है, यहाँ से पराठा खाएंगे। थोड़ी देर हाईवे के सामने से एक सर्विस रोड है, तो वहीं पे आके मैं इससे पहले खड़ा हुआ था, उसके बाद जाके बाकी सब गाड़ी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, सही होगा खाना, लेट्स सी। तो दोस्तों ये हम लोग अभी बर्धमान से 30 किलोमीटर आगे हैं और ये भैया के दुकान है, इस दुकान में हम लोग खाना वाना खाए, रोशनी रेस्टोरेंट। वहाँ पे आइएगा आप, सर्विस रोड से थोड़ा नीचे आता है, 30 स्टॉल लिखा हुआ है, खाना अच्छा है, बैठने का भी जगह है, गुड गुड लाइक। और ये यहाँ पे चाय वाय बनता है, देखिए। चलो भाई साहब खाना हो गया, अभी चलते हैं। अभी तो यहाँ से टाइम मेकअप हो जाएगा, केस यहाँ पे रुके थे तो 12 बजे के बाद ही रुके, पहुँचेंगे, अभी कहीं हॉल्ट नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं तारा पीक। एक छोटा सा अपडेट, अभी यहाँ से 1 घंटा 25 मिनट है, और अभी पहले जब हम लोग जाते थे, 2 साल पहले की बात करो, डेढ़ साल पहले 1.5 years back, ये जो रास्ता था ना, इसमें बोथ वेज था। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन जाता है, सो बेसिकली ये एक अच्छा सही होगा, क्योंकि जब ये पुल तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे जो हम लोग खड़े रहते हैं ये चैलेंज नहीं होगा, तो ट्रैवल टाइम और भी कम हो जाएगा फ्लाईओवर बन जाने से। ये शायद बहुत जल्दी ही बन जाएगा, यहाँ तक तो हो ही गया, सिर्फ मैटर ऑफ कनेक्टिंग बोथ साइड्स। सो बने रहिए वीडियो में, बहुत टायर्ड लग रहा है यार, बट क्या करें, माँ के पास तो जाना ही है। तो गाइज रीच द होटल, संभावना होटल यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड टाइम हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए अंदर चलते हैं, इसके बाद मंदिर में जाएंगे। सो फ्रेंड्स पहुँच गए होटल पे, संभावना होटल्स एंड स्वीट्स, वेरी नाइस होटल। यहाँ पे हम लोग एक बार पहले भी रह चुके हैं, तो ये एक छोटा सा रूम है, लेकिन हर एक रूम में एक बालकनी भी है, तो आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारा रूम, एंड बड़ा सा मिरर भी है, और दिस इज़ द 3rd floor एक्चुअली, सो इट्स क्वाइट गुड एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली। दे ऑल्सो वेलकम यू विद some kind of welcome muffler kind of whatever। और ये है वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तारापीठ जैसे जगह में बहुत हाई स्टैंडर्ड है ये, मुझे तो बहुत पसंद है भाई साहब। सिटिंग एरिया भी है एक छोटा सा, और चलिए आपको बालकनी भी दिखाते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ बालकनी भी दिखाते हैं, छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया है। ये देखो कितना ग्रीनरी है, इट्स लाइक होल ग्रीनरी है ऑल अक्रॉस, एंड यू कैन सी कैन सिट हियर रिलैक्स इन द इवनिंग, एंजॉय द नेचर। तो गाइज अभी इसके बाद अभी थोड़ी देर में 3 बजे हम जाएंगे माँ के दर्शन करने। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा टू माय चैनल, टू माय ब्लॉग। तो फिलहाल के लिए वीडियो बंद करते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे, सी यू। तो जो होएगा तो जा रहे माता का दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। अभी ये बी आर टी लाइन है, यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, शिव जी के मंदिर पे जा रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे पंडित जी हैं, नोबो कुमार बैनर्जी, पिंटूदा का 10 नंबर स्टॉल में रहता है, और तारापीठ में आने से आप लोग ज़रूर आइएगा। मैं इनके साथ पिछले 5 साल से ले रहा हूँ, और आप लोग ज़रूर आइए। नोबो चाचा बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन चार्जेस करते हैं। गाइस डन विद माता शांति हो गया।
तकरीबन हुआ यूट्यूब माई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग कैसे हो? तो ट्रिप कारपेट का अभी ख़त्म, तो अभी हम जाने वाले हैं घर। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी ट्राइंग टू रीच, अभी कितना हुआ, अभी टाइम इज अराउंड 4 o'clock, सो आई विल स्टार्ट नाउ सो दैट आई कैन बी रीच अर्ली एट होम। बस एक बात है, आई नेवर एवर गो विदाउट माई फैमिली। बहुत बोर लगता है अकेले ड्राइव करने में। मैंने एक्सपीरियंस लेना चाहा था तो मैंने ले लिया, आई थिंक दैट्स इट। तो जय माता रा, माता रा का दर्शन हो गया माता रानी, एंड तो चलिए घर चलते हैं। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू मच वीडियोज राइट नाउ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली दिस इज़ द होटल वेयर वी वर स्टेइंग, आई वॉज स्टेइंग रहा, वी बोल के आदत अच्छा हो गया, बेचारा सो रहा है अभी, सोने दो कोई बात नहीं। काफ़ी एम्पल ऑफ कार पार्किंग स्पेस है, स्टैंडर्ड भी जगह है, आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आ भी सकते हो, इसका ना संभावना होटल्स एंड स्वीट्स। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जो जिन लोगों जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, अभी यहाँ पर जाते वक्त मैं ज़्यादा कुछ वीडियोज़ नहीं करूँगा, I'll just concentrate on the driving and so that I can reach home. घर पे जाके काम भी करना है। चलिए थैंक यू। सो गाइस डन विद द ट्रिप, और अभी घर आज पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह आने में बहुत ऑफिस आवर्स रहता है, बहुत दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। 100-180 के स्पीड में जाने के बाद फिर उसके बाद आके ऐसा वैसे बहुत दिक्कत वाली सीन है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड दिस इज़ माई कार, थैंक यू सो मच।